स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मझोली उद्यमों को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के देने जा रही है। सरकार के इस फैसले से 45 लाख इकाइयों को फायदा मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कुटीर लघु उद्योग के लिए 6 ऐसे कदम हम उठाएंगे। 2 रिलेट टू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, 2 रिलेट टू द NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस एंड द MFIs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। 1 रिलेट्स टू डिस्कॉम्स, 1 रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स, 1 रिलेट्स टू रियल एस्टेट एंड 3 आर टैक्स मेजर्स दैट वी हैव टेकन। सो आई विल गेट इनटू द डिटेल ऑफ टुडेज ट्रांश ऑफ अनाउंसमेंट्स। आई सेड देयर आर 6 मेजर स्टेप्स फॉर द MSMEs। द फर्स्ट वन, देयर इज अ कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन फॉर MSMEs व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड। दिस विल गिव फैसिलिटी अप टू 3 लाख करोड़। 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan or 100 crores whose turnover is will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौर में इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के तगड़े बूस्टर डोज का ऐलान किया है। मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि इस पैकेज से देश की इकोनॉमी को सहारा मिलेगा और दुनिया में भारत नेतृत्व करने की क्षमता हासिल कर सकेगा। पीएम ने कई सेक्टर में बोल्ड सुधारों का ऐलान किया है। पीएम ने कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स और सभी सेक्टर में सुधारों का ऐलान किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।